अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने सिमेंटिक टैग्स के मुतलिक देखा था, जिसमें हमने हेडर टैग, फुटर टैग, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, नेव और असाइड टैग, इन टैग्स को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम फर्दर एचटीएमएल के बेसिक टैग्स को स्टडी करेंगे। जो टैग्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो हैं वीडियो, ऑडियो, एसवीजी एंड आई फ्रेम टैग। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपना कोड ओपन कर लें कोड एडिटर में, और लास्ट टाइम हमने यहाँ तक इस काम को किया था। मैं साथ ही इसे ब्राउजर में भी ओपन कर लूँगा और इसे कोलैप्स कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसे ब्राउजर में ओपन कर लूँगा और यहाँ तक हमने लास्ट काम किया था, जिसमें कि अब हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है। अब जो काम हम आज की वीडियो में करेंगे वो है, यहाँ से मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूंगा, ये हमने लास्ट की वीडियो में ख़त्म कर लिया था, और यहाँ पे न्यू टैग्स ऐड कर दूंगा, वीडियो, ऑडियो, एसवीजी एंड आई फ्रेम। स्टार्ट करते हैं वीडियो टैग से। उसके लिए मैं यहाँ पे इन सेक्शंस को जो है क्लोज कर दूंगा, और यहाँ से बेसिकली इस आर्टिकल तक, और यहाँ पर एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लर्निंग अबाउट वीडियो, ऑडियो, एसवीजी एंड आई फ्रेम टैग। ओके, यहाँ पर हम एक सेक्शन यूज करेंगे, जैसे कि हमने अब हमें इस चीज की समझ लग चुकी है कि हम डिफ की बजाय सेक्शन यूज करें। उसका बेनिफिट ये है कि सेक्शन एक सिमेंटिक टैग है, ये ग्रुपिंग में तो काम आएगा, लेकिन इसका जो ब्राउजर को एक स्पेसिफिक मीनिंग पता है, इसका मीनिंग ये पता है कि ये एक इसमें एक हेडिंग आ सकती है। जो टिपिकल सेक्शंस होते हैं कंटेंट, इसमें मेनली टिपिकली हम एक हेडिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बुलेट पॉइंट्स, टेक्स्ट आ जाता है, और फिर फर्दर उसमें आर्टिकल्स आ सकते हैं, सेक्शंस आ सकते हैं। सेक्शन के अंदर आर्टिकल भी आ सकता है, आर्टिकल के अंदर सेक्शंस भी आ सकते हैं, सेक्शन के अंदर इटसेल्फ ज़्यादा सेक्शंस भी आ सकते हैं। मीन मैं यहाँ पर एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। अब हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो टैग से। वीडियो टैग को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर हम एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा लेंगे और इसके अंदर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीडियो टैग से। मैंने वीडियो लिखकर एंटर करूंगा, ये ऑटोमेटिकली वीडियो टैग को इंट्रोड्यूस करवा देगा, उसको स्टार्टिंग टैग और उस टैग को क्लोज भी कर देगा। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक सोर्स का एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली वीडियो टैग आप एचटीएमएल में यूज करते हैं एक वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट में इम्बेड करने के लिए, एक वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट में शो करवाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर यूजर के पास एक वीडियो होनी चाहिए, जैसे कि YouTube जब हम ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे अगर जायोंस का YouTube चैनल ओपन करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि YouTube ये वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि साइट के अंदर वीडियोस इम्बेड हैं। अगर आप भी अपनी वेबसाइट में किसी जगह पे एक वीडियो, अपनी इंट्रो, कंपनी इंट्रो वीडियो या सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो इम्बेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप टैग यूज करेंगे वो वीडियो का टैग है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये यूट्यूब की वीडियो, अगर यूट्यूब पे आपने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उसको कैसे अपने डॉक्यूमेंट में इम्बेड कर सकते हैं। अभी के लिए हम कंटिन्यू करेंगे, और मुझे अब इसको एक वीडियो फाइल का यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि जो इमेज का टैग होता है, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एफ, मैंने कमांड प्लस एफ प्रेस किया, इसकी वजह से मुझे ये फाइंडर का ऑब्जेक्ट, ये फाइंडर का जो विंडो है ये ओपन हुई है, और यहाँ पे मैं इमेज लिख के जब सर्च करूंगा तो ये पूरे इस डॉक्यूमेंट में ये इन वर्ड्स को सर्च करेगा। मैंने क्या किया, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, मैंने कमांड प्लस एफ इसको प्रेस किया, मेरे पास ये जो विंडो है ये ओपन हो गई। यहाँ पर मैंने जो मैंने सर्च करना था वो मैंने लिखकर सर्च किया, IMG, ये इमेज का टैग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में तीन जगह पे IMG यूज हुआ है, और ये अभी जो दूसरी दफा IMG जब लिखा गया, ये उस प्लेस पे, मैं यहाँ पर ही रहते हुए मेरा कर्सर यहीं पे है, मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये थ्री
3 यहाँ पर चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये थर्ड प्लेस पे आ गया है जहाँ पर IMG लिखा हुआ था। मैं इस पर फिर एंटर प्रेस करूँगा, ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया है। मैं फिर एंटर प्रेस करूँगा, ये सेकंड प्लेस पे आ गया है। अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में जाना है, क्योंकि मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये फॉरवर्ड जो पैटर्न है उसमें जा रहा है। जब भी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ये फॉरवर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड मूव करता है। अगर आपने वन स्टेप बैकवर्ड मूव करना है तो आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये वन स्टेप बैकवर्ड मूव करेगा। ओके, सोर्स का एट्रीब्यूट आप ऑलरेडी जानते हैं कि सोर्स का एट्रीब्यूट जो टैग होता है, जिस टैग पे सोर्स का एट्रीब्यूट लगा होता है, जैसे इमेज का टैग, उसमें सोर्स के एट्रीब्यूट में एक इमेज का URL होना चाहिए। इसी तरह अगर ये वीडियो का टैग है, इसमें जो सोर्स का एट्रीब्यूट है, होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, इसमें एक इमेज का URL होना चाहिए। मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, हम उसको यूज़ करेंगे और मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं उस लिंक को अभी यूज़ करके भी आपको दिखा दूंगा, ताकि वो लिंक आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहां से ये डेमो वीडियो इसको कॉपी करूंगा और हमारे जो कोर्स प्रोजेक्ट है उसमें एसेट्स के फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पर एक वीडियो का नया फोल्डर बना के यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। मैं वापस कोड में आऊँगा और ये अब आपका एक शॉर्ट चैलेंज है। यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हमने एसेट्स के फोल्डर में वीडियो का फोल्डर बनाया और उसमें ये जो फाइल है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये आपका अब शॉर्ट चैलेंज है कि आप यहाँ पर इस फाइल का URL एंटर करें, इस फाइल को सेव करें और ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करें और देखें कि क्या चेंज आता है। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे एसेट्स यहाँ पे लिखूंगा, डाउन का बटन प्रेस कर एंटर करूंगा और ये यहाँ पे वीडियो का नाम आ गया, इस पर एंटर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो का जो पाथ है ये कंप्लीट हो चुका है। और पाथ करेक्ट कंप्लीट होने का एक निशानी ये होती है कि आप अगर कमांड या कंट्रोल, विंडोज पे कंट्रोल और मैक ओएस पे कमांड प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस लिंक को ओपन करके आपको दिखाएगा। अगर आपकी वो जो एग्जैक्ट फाइल है वो ओपन हो जाए और यहाँ पे साइड बार में वो फाइल सेलेक्ट भी हो जाए, मतलब कि यहाँ पे जो आपने लिंक लगाया था वो करेक्ट है। मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पर आके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीटियर हमें एरर दे रहा है, मीन कि हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी है। मैं यहाँ पर देखूँगा कि क्या मिस्टेक हुई है। मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ, यहाँ पर हम प्रीटियर पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा लॉग्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन 168, ये डीबग करने का तरीका है कि प्रीटियर, अब मैं फिर इसे अगर क्लोज कर देता हूँ आप देख सकते हैं प्रीटियर का वो जो लॉग था वो गायब हो गया। मैं फिर सेव करूँगा कंट्रोल प्लस एस, प्रीटियर फिर मुझे वही वार्निंग देगा कि मैं इसे फॉर्मेट नहीं कर सकता, आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा स्क्रोल अप करूँगा तो ये मुझे एग्जैक्ट लाइन नंबर बता देगा जिस पर मसला है, 168 लाइन नंबर पर मसला है। मैं यहाँ से 168 लाइन पर जाऊँगा और यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। यहाँ से अब मैंने इसको डीबग करने का तरीकाकार ये है कि मैं वन बाई वन यहाँ पे पैराग्राफ्स को देखूं कि कहाँ पे मसला आ रहा है। यहाँ से अब हम इसे डीबग करेंगे पहले, ताकि हमारा जो कोड है वो सेव हो, फॉर्मेट हो सके। ये टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसी तरह ये बाकी सारे टैग्स भी क्लोज हो रहे हैं। उस मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा, ये ए टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है और इस कमेंट को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा ताकि हमारा कोड थोड़ा फॉर्मेट हो सके। और हमारा यहाँ तक ये डिफ टैग यहाँ पर है और ये जो पी टैग है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ओके, इस चीज़ को मैं, इस स्पेसिंग को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा और सेव करूँगा। स्टिल एरर है, ये जो आर्टिकल का टैग है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसे मैं यहाँ पे कोलैप्स कर दूंगा। ओके, और बाकी डीबग करने का एक और तरीका इसी प्रीटियर के साथ, अभी आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। मैं इस पर फिर क्लिक करूँगा और स्क्रॉल अप करूँगा, जहाँ पे जिस लाइन नंबर पे ये मुझे एरर दिखा रहा है उससे थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट उसकी वजह भी बता देगा कि ये एक सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग पी टैग। मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा और एरर यहाँ पर ये है कि ये पी टैग हमने स्टार्ट किया और ये पी टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ओके, सो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप पी टैग के अंदर, एक पैराग्राफ टैग के अंदर जब दूसरा पैराग्राफ टैग आता है तो
तो वो बेसिकली प्रॉपरली बिहेव नहीं करता। आप पैराग्राफ टैग के अंदर, एक पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरा पैराग्राफ टैग यूज नहीं कर सकते। अगर आपने 2 से 3 पैराग्राफ टैग्स को रैप करना है तो आप डिफ का यूज करेंगे, सेक्शन का यूज करेंगे या किसी और रैपिंग एलिमेंट का यूज करेंगे। मैं इसको सिर्फ यहाँ से क्लोज करूंगा, यहाँ से इसे रिमूव करूंगा और जब सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट हो गया। और ये जो ऊपर हमारा, मैं कंट्रोल कमांड प्लस जी प्रेस करूंगा, ये जो मेरा यहाँ पे एम्प्टी स्टार्टिंग टैग था, मैं जब यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कमांड एस, तो आप देख सकते हैं कि उसने वहां पे उसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे अब ये प्रॉपरली फॉर्मेट भी हो गया। तो रूल ये है कि आप एक पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरा पैराग्राफ टैग इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, आपने 2 पैराग्राफ टैग्स को रैप करना है तो आप एक डिफ का यूज करेंगे या किसी भी रैपिंग एलिमेंट का, सेक्शन वगैरह का यूज करेंगे। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सेव करूंगा, हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड है। यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरी वीडियो एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसे इंडिविजुअली डिस्क्राइब करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक हेडिंग भी ऐड कर दूंगा और इसके ऊपर और नीचे एक एचआर टैग को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। यहाँ पे आऊंगा और इस सेक्शन में एक हेडिंग इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। सेक्शंस में हेडिंग के लिए हम टैग जो यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली मेन सेक्शन था, मेनली जो हम यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर H3 का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा वीडियो, ऑडियो, SVG एंड iFrame टैग, और यहाँ से पहले लिख दूंगा अंडरस्टैंडिंग। ओके, और सेक्शन से पहले मैं यहाँ पर एक HR टैग इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और सेक्शन के बाद भी एक HR टैग इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो अब ये प्रॉपरली आइडेंटिफाइएबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बेसिकली यहाँ पे लोड तो हो गई है लेकिन ना तो ये प्ले कर रही है और ना ही मेरे पास कोई कंट्रोल्स है। इसी से हमें नेक्स्ट एट्रीब्यूट पता चलता है वीडियो टैग का, जो कि बहुत जरूरी है, जिसका के नाम भी है कंट्रोल्स। आप यहाँ पे कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट सिर्फ ऐड करेंगे और सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो पे कंट्रोल्स भी आ गए और अब आप इसे प्ले भी कर सकते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आपने वीडियो का टैग इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 इस पे हैं एट्रीब्यूट्स, वो ये है कि आप यहाँ तो इस एक तो जो बहुत जरूरी है सोर्स, ये रिक्वायर्ड है, और उसके बाद आप इस पे कंट्रोल्स, ये वाले ये 2 एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो तब वीडियो आपकी एम्बेड भी हो जाएगी, आ भी जाएगी और उसको यूजर प्ले भी कर सकेगा और स्टॉप भी कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जैसे ही डॉक्यूमेंट में एम्बेड हो वो ऑटो प्ले भी हो जाए और यूजर को इसके कंट्रोल्स भी शो ना हो, तो आप ये कंट्रोल्स का जो एट्रीब्यूट है इसको रिमूव कर दें। आपके पास एक और एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले, इसे लेकिन अकेला ये लगा देना, इससे ये वीडियो नहीं चलेगी। मैं इसे लगा के यहाँ पे आके सेव करके रिफ्रेश करूंगा, वीडियो यहाँ पर नहीं चली। इसके लिए ऑटो प्ले करने के लिए आपको एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, म्यूटेड, मीन के जब ऑटो प्ले पे ये वीडियो चलेगी तो इसका म्यूट होना जरूरी है। जब हम जावास्क्रिप्ट के सेक्शन तक पहुंच जाएंगे तब मैं आपको इसको जावास्क्रिप्ट के साथ ऑटोमेटिकली प्ले करने का तरीका बताऊंगा कि हम इसके वीडियो एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और इस पे एक मेथड होता है प्ले का, उसको यूज करते हुए इसको प्ले करवा देंगे, तब हमें इसे म्यूटेड करने की जरूरत नहीं होगी। अभी के लिए अगर आप, क्योंकि हम सिर्फ प्योर HTML की बातें कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम प्योर HTML को सीख रहे हैं, तो प्योर HTML में अगर आप एक वीडियो को ऑटो प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको उसको ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा और म्यूटेड का एट्रीब्यूट देना जरूरी है। गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, वीडियो कोई भी ऑटो प्ले नहीं होगी सिर्फ HTML टैग के थ्रू जब तक कि उस पर म्यूटेड का एट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि वीडियो चल रही है। मैं इस पे कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट फिर लगा दूंगा और यहाँ पे सेव करूंगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब भी हम सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट लिखें, क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ये नाम होता है और उसके बाद इक्वल दबा के जो सिंगल या डबल कोट्स में उसकी कोई वैल्यू होती है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ नाम लिख दें तो वो बिल्कुल इक्वल होता है इस चीज के कि मैं इक्वल लगा के यहाँ पे ट्रू लिख दो, ये और ये बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल, दोनों का मतलब सेम है कि इसकी वैल्यू ट्रू है बाई डिफॉल्ट, ये मतलब होता है। तो जब भी मैं अगर सिर्फ कोई एट्रीब्यूट ऐड कर दूं तो उसका मतलब होगा कि बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू थी वो थी फॉल्स,
और जब मैंने उस सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया तो उसका ये शॉर्ट हैंड वे है इसका ट्रू। मैं यहां पर इनको लगा के दिखाता हूं, इसको ट्रू कर देता हूं और इसे भी ट्रू कर देता हूं और यहां पर आके रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। मैं इसे रिमूव कर दूंगा क्योंकि जहां पे हमें शॉर्ट हैंड अवेलेबल होगा उसे हम प्रेफर करेंगे, और यहां पे रिफ्रेश कर दूंगा। अभी ये 30 सेकंड की वीडियो है, मैं यहां से इसकी स्पीड थोड़ी तेज कर लूंगा, प्लेबैक स्पीड, और इसे 2 पे ले जाऊंगा ताकि ये जल्दी से फिनिश हो जाए। और आप देखेंगे कि जैसे ही ये कंप्लीट होगी ये वीडियो स्टॉप हो जाएगी। किसी सिनेरियो में आप चाहेंगे कि आपकी जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो वो शुरू से दोबारा रीप्ले होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लूप करे तो इसी से हमें एक और एट्रीब्यूट नजर आता है, लूप। यहाँ पे मैं सिर्फ लूप का एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा और स्पीड को मैं 2 सेकंड पे लेके यहाँ पे एंड पे ले आऊंगा। जैसे ये एंड करेगी वो स्टार्ट होगी, मैं फिर यहाँ पे आऊंगा ये यहाँ पर, और जैसे ये एंड होती है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। लास्ट हम 2 और एट्रीब्यूट्स वीडियो के टैग पे स्टडी करेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे ऑडियो के टैग पे। जो 2 और एट्रीब्यूट हैं वो है इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए, वो हमने पहले भी अभी तक यूज कर लिए हैं, जैसे कि हमने इमेज के टैग पे यूज किए थे। तो हम सेम वही तरीकाकार है कि आप विड्थ को हम प्रेफर किया करेंगे, हाइट अनटिल अनलेस कि हमें बहुत ही ज्यादा रिक्वायर हो तब हम उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हाइट आप कभी भी किसी एलिमेंट को स्पेसिफिक हाइट 500 पिक्सल या 600 पिक्सल या 1000 पिक्सल इस तरह की हाइट देने से बचा करें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस में आपको मसला करेगी। जब हम रिस्पॉन्सिवनेस का टॉपिक पढ़ रहे होंगे मैं इस चीज को प्रॉपरली क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे मैं हाइट को विड्थ को 600 पिक्सल सेट कर दूंगा और सेव करके रिफ्रेश करूंगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये 50% ऑफ स्क्रीन कवर कर ले, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, 50%। सेव, रिफ्रेश, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि वो 50% कवर कर ले। मैं क्योंकि इसकी विड्थ जो हाइट है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ विड्थ को कंट्रोल कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो की जो प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। और यही चीज हमने इमेज टैग में भी सीखी थी कि हम हाइट विड्थ देते हैं, हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे अगर हाइट भी दे दूंगा 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो वीडियो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं उसने अपनी एक्सपेक्ट रेशियो तो खराब नहीं की लेकिन ये वाइट स्पेस इधर उधर आ गई है, जो लेफ्ट और राइट साइड पर वाइट स्पेस आ गई है ये काफी खराब है। इसलिए आप हाइट से को देने से जितना ज्यादा बच सके बचे, सिर्फ विड्थ दें और हाइट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। हाइट जब भी दें ज्यादा से ज्यादा हम ऑटो दे देते हैं कि हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए, और बाय डिफॉल्ट भी इसका यही है ऑप्शन। हमने अभी तक सोर्स के एट्रीब्यूट को डिस्कस किया, ऑटो प्ले के एट्रीब्यूट को डिस्कस किया, म्यूटेड कंट्रोल्स, लूप, विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट को डिस्कस किया। इसके अलावा आपने, जैसे कि हम यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर दूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियोज जब तक ये प्ले नहीं हो रही इन पे एक थंबनेल लगा हुआ है। आप इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपके पास वीडियो टैग पे एक एट्रीब्यूट होता है पोस्टर। यहाँ पे आप उस इमेज का एट्रीब्यूट दे देते हैं जो आप चाहते हैं कि एज अ थंबनेल यूज हो इसकी। मैं यहां से एक ज़ायोंस की वेबसाइट से कोई थंबनेल उठा लूंगा ताकि हम उसे करंटली यूज कर सकें। उसके बाद मीन के आपको आइडिया देना है, आप अपनी वीडियो का ऑब्वियसली आपका पर्सनल कोई थंबनेल बनेगा और उसको आप यूज करेंगे। यहाँ से मैंने इस थंबनेल को इसका यूआरएल कॉपी किया और इससे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट कहीं पे होस्टेड यूआरएल भी हो सकता है, और ये आपके जो इमेजेस आपके पास हैं हम इन दोनों को लगा के देख लेंगे। पहले मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपका शॉर्ट चैलेंज है, यहाँ पर पोस्टर में इस इमेज का ज़ायोंस लोगो का जो यूआरएल है उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हमने ये जो यूआरएल कॉपी किया था उसको ऐड करेंगे। वीडियो को पॉज करें और इसे कंप्लीट करें। फर्स्ट हम इस इमेज का जो यूआरएल है यहाँ पर, जो रिलेटिव यूआरएल जो डॉट के साथ हम करते हैं उसका यूआरएल यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ायोंस लोगो तक। इसको ऐड करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखें इस पेज में कि क्या असर आता है। होपफुली आपने ट्राई किया होगा, अब हम इसे मिलकर कंटिन्यू करेंगे। मैं ./assets एंटर इमेजेस लोगो एंटर और सेव रिफ्रेश, और आप देख सकते हो क्योंकि
ऑटो प्ले पे लगी हुई है, मैं ऑटो प्ले यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ऑटो प्ले और म्यूटेड इस मैं यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं या मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपके रिकॉर्ड के लिए ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो। ऑटो प्ले म्यूटेड, मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ्रेश, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो लोड हो चुकी है। ओके, वो जो आपने स्पिनर देखा था वो वीडियो को लोड कर रहा था और वीडियो अब लोड हो चुकी है। जब तक मैं वीडियो को प्ले नहीं करूंगा ये एज अ थंबनेल वीडियो पे शो होगा। मैं जैसे ही वीडियो को प्ले करूंगा एक तो वीडियो रीएडजस्ट हुई है, ये एक चीज है जो कि आपने मद्देनजर रखनी है कि जो आपकी वीडियो की, अगर आपकी वीडियो फुल एचडी है 1920x1080 तो आपका जो थंबनेल है वो भी उसी साइज का होना चाहिए, अदरवाइज आपने ये जो अभी इफेक्ट देखा है ये आपकी वीडियो में भी इफेक्ट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अब आपको बताऊंगा एक हमारे पास तरीका ये है, सोर्स एट्रीब्यूट डायरेक्ट वीडियो के टैग पर हम सोर्स एट्रीब्यूट लगा दें। इसके अलावा हमारे पास एक तरीका है जो कि वीडियो और ऑडियो के टैग में सेम है। मैंने यहाँ से सोर्स का एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया है, सेव करूंगा और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो थंबनेल तो शो हो रहा है क्योंकि ये पोस्टर के एट्रीब्यूट की वजह से हो रहा है, लेकिन अब ये प्लेएबल नहीं है क्योंकि कोई भी यहाँ पर सोर्स नहीं है। जो दूसरा तरीका हमारे पास है वो ये है कि इस वीडियो और ऑडियो के टैग में, नेक्स्ट हम ऑडियो का टैग स्टडी करेंगे, उसमें भी हमारे पास एक सोर्स, इसका एक इटसेल्फ टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पर सोर्स हम एंटर कर देंगे और इसके अंदर हमारे पास सोर्स का एट्रीब्यूट, ये बेसिकली हम क्यों ये पैटर्न क्यों यूज करते हैं, ये मेनली ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि वीडियोस की काफी ज्यादा फॉर्मेट, जिस तरह इमेजेस की काफी ज्यादा फॉर्मेट होती है .png, .jpg और उसके अलावा .webpg, इसी तरह जो वीडियोस होती है उनमें भी काफी ज्यादा जो फॉर्मेट्स होती हैं MP4, MKV और इसी तरह काफी ज्यादा। तो आप अगर एक से ज्यादा जो फॉर्मेट उनको ऐड करना चाहें, ताकि अगर कोई एक फॉर्मेट एक ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो दूसरी जो सपोर्टेड फॉर्मेट है उसको यूज कर सके, उसके लिए हम ये सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, क्योंकि सॉरी ये सोर्स का जो टैग है इसको यूज करते हैं क्योंकि जो सोर्स का एट्रीब्यूट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो का यूआरएल ला सकता है, लेकिन इसको यूज करते हुए हम एक से ज्यादा वीडियोज के जो डिफरेंट फॉर्मेट में वीडियोज हैं उनको अटैच कर सकते हैं। चलेगी एक ही वीडियो, ब्राउजर ये खुद डिसाइड करता है कि ओके मैं ये, मेरे पास ये तीन फॉर्मेट अवेलेबल है, इनमें से मैं दो को सपोर्ट करता हूँ और जो बेस्ट फॉर्मेट है वो ये वाली है तो मैंने ये चलानी है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है, वीडियो और ये ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर इसका एरर आया है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से देखूंगा कि ये क्या कह रहा है। ओके, ये बेसिकली जो सोर्स का एट्रीब्यूट है ये सेल्फ क्लोजिंग एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम सेव करेंगे और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू काम सही कर रहा है, प्ले करूंगा और ये काम करने लग रहा है। लास्टली सिर्फ हम इस को एज अ थंबनेल यूज करेंगे, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके सिर्फ पोस्टर में इसको चेंज कर दूंगा, सेव, और यहाँ पर मैं ऑप्शंस या Alt+Z दबाऊंगा इसको जो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल था उसको खत्म करने के लिए, यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दूंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं कि अब थंबनेल जो है वो चेंज हो चुका है और अब जब मैं इसे प्ले करूंगा तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर दूंगा, इसी के साथ हमारी जो वीडियो का टैग है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें जो स्टडी की वो कंट्रोल, सोर्स, ऑटो प्ले, म्यूटेड, लूप, विड्थ, हाइट हमने स्टडी किया कि हम स्पेसिफाई नहीं करते अनटिल अनलेस के कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक केस हो जरूरी, और पोस्टर थंबनेल लगाने के लिए और सोर्स की जगह, क्योंकि ये एक सिंगल फाइल को सपोर्ट करता है, हम सोर्स टैग को यूज करके डिफरेंट फॉर्मेट में फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो का टैग कवर हो गया। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को जो है कोलैप्स कर लूँगा यहाँ से, ताकि मेरा जो स्क्रॉल है वो कम हो जाए और यहाँ से वीडियो को मार्क कर दूंगा कंप्लीटेड में, कंप्लीटेड और वीडियो हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे ऑडियो का टैग। ऑडियो का टैग बहुत ही ज्यादा सिमिलर है वीडियो के टैग के, इसमें सिर्फ कुछ चेंजेस आएंगे और बाकी ऑलमोस्ट ये सारा टैग सेम है। यहाँ पर जो मैं सबसे पहले एक ऑडियो का टैग इंट्रोड्यूस करवा लूंगा, एंटर करूंगा और
और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग जो लुक है वो भी बहुत ज्यादा सेम है जब हमने वीडियो का टैग इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पे सिर्फ वीडियो लिखा हुआ था, बाकी सोर्स का एट्रीब्यूट था और यहाँ पे वीडियो का टैग एंड हो रहा था। ऑडियो का टैग, अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्राउजर में एक ऑडियो की फाइल, प्लेएबल फाइल आप इम्बेड करना चाहते हैं, जैसे कि उसकी एक एग्जाम्पल है साउंड क्लाउड। यहाँ पर साउंड के बहुत ज्यादा ट्रैक्स हैं, या इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, मेरे जिन में भी ये आई है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक प्लेएबल ऑडियो फाइल हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप एक ऑडियो का टैग यूज करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर एसेट्स में एक ऑडियो की फाइल कॉपी कर लूंगा, मैंने ऑलरेडी एक फाइल डाउनलोड की हुई है, मैं उसको यूज कर लूंगा। और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट में HTML वीडियो एंड ऑडियो लिंक्स में ये प्रोवाइड किया हुआ है। ऑडियो दो तरह की मैंने फाइल प्रोवाइड की हुई है और वीडियो मैंने MP4 ये प्रोवाइड की हुई है। और यहाँ से आप इनका शॉर्ट URL देख सकते हैं। मैं अगर आपको ये ओपन करके दिखाऊंगा या इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ वीडियो टैग में, सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ब्रेक हो गई है क्योंकि कोई सोर्स एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ और इसकी जगह ये पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेएबल है। ओके, तो ये आपके पास, आप चाहें तो इसको ऑब्वियसली डाउनलोड वगैरह वो सारा कुछ कर सकते हैं। ओके, मैं कंटिन्यू करूँगा ऑडियो की फाइल से। ऑडियो की फाइल का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, हम चाहें तो डायरेक्टली ये लिंक कॉपी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कंटिन्यू करूँगा लोकल फाइल से। लोकल फाइल को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे ही आऊँगा डाउनलोड्स में साउंड्स, और ये दो साउंड्स हैं इनको मैं यहाँ पर आके, जो कि सेम ही फोल्डर है, मुझे एक और ओपन करना पड़ेगा, एसेट्स, और यहाँ पर ऑडियो, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे वापस आऊंगा, इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे अब आपका ये शॉर्ट टेस्ट है, ये जो MP3 का जो ऑडियो फाइल है इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ पे ब्राउजर में आके फिर रिफ्रेश करके देखेंगे क्या चेंज आता है। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा, अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश A4 Asset एंटर, ऑडियो पे रहते हुए अगर ऑडियो आपका ऊपर नीचे आ रहा हो तो आप अप और डाउन की से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या डायरेक्ट कर्सर को लाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और MP3 मैंने कहा था, इस पर क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ शो नहीं हो रही। आप में से कौन है जो इस चीज को गैस कर सकता है कि यहाँ पर ये चीज क्यों नहीं शो हो रही? हमने जब वीडियो का टैग स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया था तो हमने एक चीज देखी थी कि जब सिर्फ और सिर्फ वीडियो का टैग और सोर्स के साथ, उसको सोर्स के एट्रीब्यूट के साथ इम्बेड मैंने किया था, ऐड किया था, तो यहाँ पर क्योंकि वीडियो का जो टैग है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, उसमें वीडियो इटसेल्फ कुछ दिखाने के लिए होता है, उसका स्टार्टिंग जो एक पिक्चर होती है। ऑडियो का टैग उससे जरा डिफरेंट है, हमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ा था वीडियो का टैग में, वीडियो के टैग को प्लेएबल बनाने के लिए, और वो एट्रीब्यूट था कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट। तो ये सेम एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सेव करेंगे ताकि हमें कोई कंट्रोल्स यहाँ पे शो हो। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर शो भी हो रहा है और ये प्लेएबल भी है यहाँ पर। ये थी चीज एक। उसके बाद जो दूसरा हम एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो लूप का एट्रीब्यूट है, ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट है। लेकिन ऑटो प्ले का जो एट्रीब्यूट है, जैसे कि हमने वीडियो के टैग में स्टडी किया था, वो म्यूटेड के बिना काम नहीं करता, लेकिन म्यूटेड के जो एट्रीब्यूट है वो वीडियो टैग में तो सेंस करती है कि वीडियो चले म्यूट भी है लेकिन चल रही है, कुछ यूजर को नजर आ रहा है। अगर ऑडियो म्यूट होकर चलती रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये अगर मैं यहाँ पे म्यूटेड टैग ऐड भी कर दूंगा तो इसका कोई इटसेल्फ फायदा नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेड ऑडियो का एक ऑडियो फाइल अगर म्यूट होकर चलती रहेगी तो वो ना चलने के बराबर ही है। इसलिए इसको जो हम प्ले करेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल तक पहुंच जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडियो की फाइल को जब आपकी डॉक्यूमेंट लोड हो या किसी भी तरह कैसे उसको प्ले कर सकते हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ करेंगे। अभी रिफ्रेश करूंगा ताकि ये अनम्यूटेड हो जाए। लास्ट जो चीज मैं आपको ऑडियो के टैग में बताऊंगा वो सिमिलर है जो हमने वीडियो के टैग में स्टडी की थी, ये सोर्स का एट्रीब्यूट। इसका भी यही मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दो ऑडियो फाइल दी हुई है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनको दो सेपरेट में तो ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इसका URL चेंज कर दूंगा इस पे और मेरे पास यहाँ पे दो फाइल आ जाएंगी, क्योंकि क्रोम इन दोनों फाइल को सपोर्ट करता है इसलिए दोनों फाइल चल जाएंगी। लेकिन कुछ ब्राउजर्स होते हैं जो
ना कभी हो सकता है कि MP3 को सपोर्ट ना करें किसी रीजन से, या फिर इस WAV फाइल को सपोर्ट ना करें। तो उसका तरीकाकार, बेहतर जो तरीकाकार होता है वो ये है कि आप एक से ज्यादा जो फॉर्मेट हैं उनको इंक्लूड करें, ताकि जो आपकी ऑडियो है वो प्लेएबल रहे ज्यादा ब्राउजर्स में। यहाँ पे मैं इन दोनों का जो URL है वो एंटर कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसे एंटर कर दूंगा और यहाँ से सोर्स के एट्रीब्यूट को खत्म कर दूंगा। इधर से भी मैं इसे इसमें शिफ्ट कर दूंगा और इसको सिर्फ रीनेम कर दूंगा सोर्स के साथ, और ये क्योंकि सेल्फ क्लोजिंग है तो ये मैं इसको यहाँ से सेल्फ क्लोज कर दूंगा, और इस पे ये कंट्रोल्स और लूप्स नहीं आता। सेव, रिफ्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडियो का टैग इम्बेड हो गया, लेकिन अब ये पहले से बेहतर है क्योंकि ये ज्यादा ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगा। जो ब्राउजर MP3 को सपोर्ट करता होगा वो MP3 को चला लेगा, जो WAV को सपोर्ट करता होगा वो इसको चला लेगा, जो दोनों को सपोर्ट करता होगा वो खुद चूज कर लेगा कि दोनों में से कौन सी फाइल बेहतर है, जिसका साइज कम हो, जो प्लेइंग में ज्यादा बेहतर हो उसको यूज कर लेगा। तो ये परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर हो गया। वीडियो का टैग और ऑडियो का टैग जब भी हम यूज किया करेंगे, कोशिश एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में, तो हमारी रिक्वायरमेंट यही होगी, क्योंकि ये वीडियो और ऑडियो मेनली हमें डिजाइनर्स प्रोवाइड करते हैं, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं और ऑडियो मेकर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जब वो एक तरह की फाइल बना लेते हैं, उनके लिए दूसरी फाइल बनाना काफी आसान होता है। उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें काइंडली दूसरी फाइल को भी प्रोवाइड कर दें, ताकि हमारी वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी है और जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। ये था वीडियो और ऑडियो का टैग, हम यहाँ पे इसे मार्क कर देंगे कंप्लीटेड में, और इसी के साथ हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। SVG और iframe के टैग को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ताकि ये हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपने वीडियो और ऑडियो के टैग के मुतालिक सीखा, उनके एट्रीब्यूट्स के मुतालिक सीखा और सोर्स के टैग को सीखा। वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम SVG और iframe के टैग को स्टडी करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.